लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, उपचुनाव को लेकर बसपा की बैठक। यूपी की 13 विधानसभा सीटों पर होना है उपचुनाव। मायावती ने बुलाई है प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक। पार्टी को मजबूत करने के लिए मायावती देंगी मंच। उपचुनाव को लेकर बसपा की बैठक। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनूप सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, मायावती ने उपचुनाव को लेकर तैयारियों के लिए बैठक बुलाई है, साथ ही साथ मायावती आज मंत्र भी दे सकते हैं, क्या कुछ खास निकल के हो सकता है इस बैठक में? देखिए सृष्टि, बिल्कुल सही बात है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से जीरो पर आउट हो चुकी, पहले जो बीएसपी का अस्तित्व बिल्कुल जीरो पर ख़त्म हो चाहे 2014 की बात करें या फिर यूँ समझिए कि 2017 पिछला जो चुनाव अभी 2000 हुआ था उस लोकसभा, उसमें भी जीरो पर आउट हुई थी मायावती। उसके बाद जो उत्तर प्रदेश में एक तरीके से बिल्कुल ख़त्म होने वाली कगार पर उत्तर बीएसपी जो पार्टी चल रही, तो एक बार जो 2019 का जो चुनाव हुआ लोकसभा, उसमें एक अच्छी जो पहल वापसी की है। हालांकि भले ही गठबंधन का सहारा लेना पड़े हो, जिस तरीके से बीएसपी की सीटें आई हैं, उसके बाद एक मायावती का जो हौसला एक बार फिर से अफजाई हो चुका है और उत्तर प्रदेश में वो अपनी जो पहचान खो चुकी हैं उसको बनाने के लिए काफ़ी जो बैठकों का दौर चालू किया था। चाहे लोकसभा चुनाव के बाद कई बैठक कर चुकी हैं और पूरे प्रदेश के जो कोऑर्डिनेटर हैं या फिर जो उनके विभाग के जो उनके पार्टी के जो वरिष्ठ अध्यक्ष नेता हैं उनको बुलाकर बैठक कर बराबर लगातार कर रही हैं। आज भी उसी क्रम में बैठक बुलाई है क्योंकि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में पहली बार जिस तरीके से बीएसपी अपना प्रत्याशी उतारने जा रही है, इसके पहले बीएसपी कभी उपचुनाव में अपने प्रत्याशियों को नहीं खड़ा करती थी, लेकिन अब ये चूंकि आने वाला जो विधानसभा चुनाव होगा उसका सेमीफाइनल माना जा रहा है, तो जाहिर सी बात है मायावती अपने जो वोट हैं उनको पाने के लिए या जो लोग उनसे रूठ गए थे, उनका जो बेस वोटर उनसे रूठ गया था, उसको पाने के लिए चुनाव में अपने मैदान में अपने प्रत्याशियों उतारने की जो लड़ाई इस बार छेड़ी है और अपने प्रत्याशियों को जो 12 सीटों पे अपने प्रत्याशी उतार चुकी हैं, तो जाहिर सी बात है वो किसी प्रकार से अपनी जो भूमि जो जमीन है खो चुकी है उसको पाने की कोशिश है। और इस बार मायावती किसी प्रकार से जोर कसर पूरी लगा रही, पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर रही हैं कि इस जो उपचुनाव है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हासिल कर सकें और जो आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर इसमें सीटें अच्छी हासिल कर जाएंगी तो जाहिर सी बात है आने वाले समय में मायावती हो सकता है इसमें उत्तर प्रदेश में अपनी ज़मीन ढूंढने में कामयाब हो जाएं। लेकिन फिलहाल ये प्रयास है मायावती क्या कुछ किस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करती हैं। अभी तक जिस तरीके से देखा जा रहा है बैठकों में मायावती ने साफ संदेश दिया था कि फील्ड में जाकर भाईचारा बढ़ाओ, हर वर्ग से मिलो, किसी भी जिसमें जात पात का भेदभाव खत्म करो, सबसे भाईचारा बढ़ाने की बात सामने आई थी। तो जाहिर सी बात है उनका ये मानना है कि खाली दलित वर्ग ही नहीं सभी वर्गों के साथ मिलजुल कर अपनी सरकार बनाने की कवायद जिस तरीके से चालू की है, हर जाति को जोड़ने की कोशिश है मायावती की। तो अब इस बैठक में देखना होगा क्या किस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को मायावती निर्देश देती हैं, क्या कुछ इस बैठक से निकल के आता है, क्या कुछ इस जो प्रत्याशियों को जमीन में उतारा है अभी तक की उसमें उसका मायावती फीडबैक भी लेती हैं, जो प्रत्याशी पहले बनाती हैं उसका लोकप्रियता इसकी देखती हैं, उसके बाद अगर लोकप्रियता या फिर फीडबैक अच्छा नहीं मिलता है तो हमेशा उस अपने प्रत्याशियों को चेंज भी करती रहती हैं। तो इस बैठक में क्या कुछ निर्णय होने वाला फिलहाल बैठक के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इस उपचुनाव को लेकर जिस तरीके से बीएसपी प्रमुख मायावती एक संजीदा हैं, एक सक्रिय हैं, अपनी जो ताकत है पूरा इस्तेमाल कर रही हैं, अब इस बैठक के बाद जानकारी मिलेगी क्या कुछ बैठक में हुआ और या कुछ निर्देश बैठक में कार्यकर्ताओं को दिए गए हैं। सृष्टि जी, अनुभव, अब देखना यही होगा कि आगे चलकर क्या मायावती रणनीति बनाती हैं वोटर्स को लुभाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन सभी जानकारी के लिए। मायावती ने बुलाई प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक। पार्टी को मजबूत करने के लिए मायावती देंगी मंत्र।